रणजीत सिंह जी महापुरुष जिन्हों का बड़ा स्नेह परिवार नाल ओ भी गुरमुखां दे ग्रह विखे पहुंचे उन्हां पासों भी ना अपने गुरबाणी दीआं विचारां सुन करके कमाए हुए वचन है जिहड़े उन्हां दे
ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਈ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ लालो जी जन्म तुम्हारे देखे देखे बिच लायो जी जन्म तुम्हारे देखे देखे बिच लायो जी जन्म तुम्हारे देखे देखे बिच लायो जी जन्म तुम्हारे देखे जन्म तुम्हारे देखे जन्म तुम्हारे देखे जन्म तुम्हारे लेके 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 जन्म तुम्हारे देखे जन्म तुम्हारे देखे लालो साइया जन्म तुम्हारे देखे
थे मुकला दो साइया जन्म तुम्हारे देखे जन्म बकरे थे पादो जन्म तुम्हारे देखे कह रविवा सुना सुना तुझी हो के पयो दर्शन देखे सारे बोलो वाहिगुरु 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 रचना बाकी सारे गुरु वाहिगुरु 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 पावन आप नारायण कला तार जगमय परवरे हो
धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पातशाह जिन्होंने साढ़े ते बड़ी महान बख्शिश की है। गुर कृपा जी नरको कीनी ते इह जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। बहुत कृपागी हों भाई गुरचेतन सिंह, उन्होंने अपने पुत्र काका ओंकार सिंह जी की शादी की खुशी विच जो ये प्रोग्राम लिखिया लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नादर करे, बड़ी महान कृपा है। कोई भी असी कार्ज करना पहला सतगुर तो कीता लोड़िए कम सुहर पै, कार्ज दे सुहार सतगुर सत साथी है। पै भंजन मेहरबान दास की राखे, नानक हर गुण गाए अलग अलग प्रभु लागे। कोई भी असी कार्ज करना पहला सतगुर का शुकराना करना, क्यों ये सतगुर सच्चे पातशाह हाजरा हजूर है, जहरा जहूर सर्व कला समर्थ है, सर्व कला समर्थ सतगुरु चबर तख्त छत्र दे मालक, उन्हां दे गोद विच अच्छी जुड़ बैठे गुरु प्यारे उपर भागी हाँ, बहुत बड़े भाग ने साढ़े। सतगुर कहिंदे मिन भागा सत संग ना लभै, मिन संगत मैल बिना भागा तो सानू गुरु की संगत प्राप्त नहीं हुंदी है। भाग मन को ना मिले भली वस्त का भोग, ये भली वस्त का भोग है। कोई भी जेडे कई नहीं तो बहर बैठे ने गल कर, पर जरा भली वस्त का भोग है एक एक अखरा जना गुरु की बाणी का, एक एक अखरा गुरु को एक अखर जिस मन वस्त नानक होत निहाल, एक अखर भी ऐने भी पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिया साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया है, पढ़िया जेते बस बस पढ़िया जेते बस। नानक लिखे एक गल गुर होमै चखना चाक, एक गल तेरा एक अखर भी तेरा गुरु का ना तेरे हिरदे विच वसदे भी, पर हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। नाम दे विच बहुत बड़ी ताकत है। सतगुरु पंचम पातशाह गुरदेव श्री सुखमनी साहब की बाणी उचारण की है जिसे 24 अष्टपदियां ने, एक अष्टपदी के तकरीबन 1000 अखर वध कर भी हो सकता है, कंधा दुद्र हो सकता है, पर 24000 अखर है पूरे सुखमनी साहब के। पर इस पुराने 24 घंटिया 24000 श्वास आते हैं, 24000 श्वास। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने बाणी ऐसी उच्चारण की है, भाई गुरदास बाबा बुढ़ा जी बेनती की सतगुरों के चरणों के, कहते पातशाह कहते जिन्हें भी दुनिया के धर्म ने 18 पुराण 27 सिमरतियां वेद कितें विचारे वेद होए सच्याद पढ़ा गुणा तन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखांतर पाए। महाराज सारे धर्मां ने बड़ा आपो अपने धर्म के जीवन के उदार वास्ते बाणी उच्चारण की है, पर आप भी महाराज ऐसी बाणी उच्चारण करो जिदे नाल साडा जीवन का उद्धार हो सके। पातशाह ने श्री सुखमनी साहब की बाणी 24 अष्टपदियां ते उहदे विच 24000 अखर ने, इस प्राणी नूं 24 घंटिआं दे विच 24000 श्वास आउंदे ने। सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की पुत्र है चन, पर असी गुरु को उस परमेश्वर नु जान तो दूर तुम्हें प्राप्त नीर, पर तू नु दूर जानदा तेरे नेड़े आए ओ वेखा उना नदर ना आवे बहुता ए विदान, ओ तेनु देखदा पर तू जानदा नहीं ओनू, तू कहना मैं तो दूर है नहीं, ओ वेखा है उना नजर ना आवे बहुता ए विदान। ओ सतगुरु हाजरा हजूर है, बड़ी बड़ी ताकत है गुरमुखों दे विच, बहुत बड़ी ताकत है। पर जिहड़ा साडा मन है ना भरिया मत भरिया हथ पैर तन दे पानी धोता उतर सखे मोत पलीती कपड़ होए दे साबुण लईआ, तेरे तन दी सफाई है बड़ा सोहने कपड़े पा ले
बड़ा सोहना बन गया, बड़ा तरफेल ला के बड़ा सोहनिया आने लग गया तेरे बच्चे। ये तेरे तन की सफाई है ना, पर सतगुर पातशाह कहते मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। भरिया हाथ पैर तन दे पानी धोता उतर चके मोत पलीती कपड़ होई दे साबुन लिया धोए। ये तो तन साफ हो गया ना तेरा, बड़ा सोहना बन गया, बड़े सोहने कपड़े पाले, बड़ा हर शिंगार ला लिया, तेरे तन की सफाई है। पर सतगुर पातशाह कहते भरिया मत पापा क्या संग, कहते तेरी मत तो पापा नाल भरी पई है, दिंदिया चुगली करके ओ तो पैनावा क्या रंग, कहते वह परमेश्वर के नाम के नाल धोती जानी होर कोई साबन नहीं तिलाने वास्ते। पर ये ना तेरा जरी तन की तो सफाई कर लेगा तू, पर जी मन की सफाई है वो तो परमेश्वर के नाम के नाल हो, तू पढ़ता नहीं। रैन गवाई सोए कह दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है पर तेरा कौडी बदले जाए। किन्ना सोहना तेनों शरीर बनाया, किन्ना सोहनी अखा दित्तिया ने, अखा देखना रजिया बहु रंग तमासे, जे बा खाए ना राजी बा भोग बनासे, आ कन्न तेनों सुन वास्ते लाए ने, अखा देखण वास्ते तेनों लाइया ने गुरु के दर्शन वास्ते, आ पैर ला ने तेनों चल के गुरु के चरणों के पिछे जा, तू तेरा जीवन का आधार हो जाएगा, ताइयो तेरा मारा उच्चा ते सुचा है जे तू गुरु की बाणी पढ़ता है नाम जपदा। पर फिर भी बुरे काम को उठ कलोया नाम की बेला पै पै सो, जे कोई माड़ा कर्म करना ना बड़ा भज के जाना, चंगे कर्म नूं जे क्या गुरु कर जाओ नहीं उठ के नाम जपो उत्थे नहीं जाना है। रहन गवाई सोए कह दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है पर तेरा कौडी बदले जाए जाए। परमेश्वर के नाम तो बिना कौडियां तो भी माड़ा है। गुरु की बाणी है जी गुरमुखो धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी पातशाह जिन्होंने आ गुरु ग्रंथ साहब साढ़े वास्ते एक सागर बनाया, आ सागर है तू सागरो रतना गुरु मैं सार ना जाना तेरे नाम, ये रतना की खान है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पातशाह, ये रतना की खान है जिहड़ा परमेश्वर का नाम है ना। रतन की होंगे ने, रतन का कुछ नहीं होता, सत्संग जी एक चंगा पत्थर है, पर आ रतन है हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा, तुर भाग वड्डे हर पाया नानक रस खुदा। आ रतन ने एक एक अखरा जरा ये रतना तो भी महंगा है। बादशाह बादशाह औरंगजेब का पुत्र सी, कलगी तर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज नदेड़ की धरती ते आ, बड़ा लम्मा इतिहास है, बड़ी मदद की कलगी तर पातशाह ने बहादुर शाह की, बहुत मदद की, गद्दी ते बिठाया तिलक भी लाया, भावें सब तो वड्डा वैरी सी औरंगजेब, पर कलगी तर सच्चे पातशाह ने बहादुर शाह जो शरण आवै इस कंठ लावै बिरज स्वामी संदल। पर जो आया शरण आ गया कलगी तर सच्चे पातशाह दे बहादुर शाह, मदद की गुरदेव पातशाह ने, गुरमुखो फिर जित हो गई गद्दी ते भी बैठ गया, पर चौधरी प्रीतम का फिर शुकराना करने वास्ते आया बहादुर शाह, हीरा लेके आया एक हीरा, हीरा बड़ा कीमती है वो सानू माया तो दे सकता धन दे सकता, जरा हीरा है धन बड़ा दे दू पर मन नू शांति नहीं दे सकता, तृष्णा बूझा है हर के ना महा संतोख होगा गुरबचनी प्रभ सुन लग गया, सानू हीरा माया तो बड़ी दे दू पर जिहड़ी तृष्णा वो परमेश्वर के नाम के नाल बुझनी है साड़ी, तृष्णा बिरले ही की बुझा रही। पर वह बहादुर शाह जदों गुरदेव पातशाह के चरणों के विच गया नदेड़ की धरती से हीरा घाट जाओ ना तुसीं हीरा घाट आगे जाके उत्थे महाराज कहिंदे तर सच्चे पातशाह बड़े बड़े राजे महाराजे बैठे ने चरणों च, बड़े बड़े राजे महाराजे, बहादुर शाह भी चलिया गया,
बादशाह जाके नमस्कार करके बैठ गया, हीरा हाथ च लिया बादशाह ने, देखता भी जो बहुत बड़ा कठू ची बढ़ाई भी चाहे अज कल कि सू बड़ी सामा हो, जे असि कोई लख रुपया देता या 10-20 हज़ार रुपया देता साड़ी बढ़ाई भी हो गई। पर बहादुर शाह देखता है भी मैं जो हीरा देव ना दुनिया मैं कहे भी बहादुर शाह ने कल की धरस पातशाह हीरा भेट किया भी मेरी बढ़ाई भी होगी लोगों के बीच, असी बढ़ाई दे भुखे ना अगर पर बैठा रहा पातशाह के चरणों के बैठा रहा। बड़ा बड़ा कट हो बड़िया संगत दर्शन करके जीवन सफला कर दें पातशाह का, पर उठा उठ के महाराज सच्चे पातशाह मैं सोडे वास्ते एक हीरा लेके आया। हीरा महाराज ने जो हाथे रखिया पातशाह ने बहादुर शाह कहते हीरा बड़ा वधिया भी चमकड़ी आ महाराज कहना ये बेकीमत हीरा बड़ी ए जी बहुत कीमत है। बहादुर शाह बड़ा वधिया भी बड़ी कीमत भी बड़ी है पर चूजी प्रीतम कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की हीर पछाण चुकिया हीरा चाके नदी दे बे सुट दिता। हीरा काट नदी दे कोले बैठे सी महाराज नदी दे विच सुटिया बादशाह देखदा ओ कहना महाराज नूं पते नहीं कहना हीरिया की कदर की होंदी है गवादशाह सी ना कहना जंगलां च रहण वाले ने बाकी कदर ही नहीं कोई हीरे की। बैठ गया पिछे जाके ओह मन दे विच पश्चाताप हो गया बादशाह दे बहादुर शाह दे वी बड़ा कीमती हीरा कहना महाराज नूं कदर ही नहीं हीरे की कहना नदी में सुट दिता कहना पिछे बैठ गया जाके सब बड़ा मायाधारी राजे कि किसी चीज की कमी होंगी पिछे बैठ गया जाके पिछे बैठा सोचा दे पै गया वह कहना मना सोची जाता है कहना इन्ना कीमती हीरा महाराज ने सोचे नहीं कुछ कहना नदी के सुट दिता कहना पता इन्ना फर्क नहीं हीरे आ गया। बैठा रहा सतगुरु जानी जान से कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत जानी जान सी पता सी आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो आप परमेश्वर सी। बहादुर शाह सुन भी गल उरिया बुलाया मन दे विच उही ख्याल महाराज ने नीरा हीरा सुट दिता नदी दे विच कोई सोचा ही नहीं बड़ा कीमती हीरा मेरे कहना खजाने का शिंगार से वह हीरा से इन्ना महंगा गुरदेव पातशाह ने बुलाया कहते बहादुर शाह उड़िया भी गल सुन आ गया कहते जा कहते पानी के विच जाके ना पानी की बुक भर के लैके आ नदी चलती है नदी के पानी की बुक भर के लेके आ जा चलिया जा गया पर सोचा दे विच कहिंदा महाराज ला कहिंदे हीरे किते पानी दे विच डिगे लभू होण कहिंदे बहादुर शाह जा भी कहिंदे हीरा बुक भर के लैके आ पानी दी गया पानी दी बुक भरी पानी दी बुक भर के जदों बहादुर शाह आया हीरिया नाल भर गई सारी बुक हीरिया नाल भरी ओह मन दा अहंकार भी दूर करना सी ना भावें बादशाह सी अहंकार दूर करना सी उहदा पर जदों आया पातशाह कोले बुक हीरियां दी भरी है चौधरी प्रीतम महाराज बड़ा खड़ा है। महाराज कहन लगे बहादुर शाह कहंदे भी जिहड़ा तेरा हीरा वो देख ला तू अपना जिहड़ा हीरा तेरा ना वो अपना पछाण ला तू बाकी दे हीरे ना उत्थे सुट्टिया जाके नदी दे विच सुट दे कहंदा इह साडा खजाना है जिहड़ी आ हीरा घाट आ ना साडा खजाना कहंदे हीरे उत्थे सुट्टिया जाके बहादुर शाह उहनूं अपने आप ते बड़ा माण सी हंकार तुद ना पावी बेदकूक पुकार है बादशाह चरणा ते डिग पिया हो गरीब टैपे द्वारे हर मेल्यो
ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਆ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਜਿੱਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੋਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੀਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਦੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਸੂ ਜੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਜੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਜੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਦਾਤਾ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੀਰੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੋਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੇ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਿਦਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਨਾ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵ ਸੀ, ਮਲਾਹ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨੀ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਉਹ ਨਾਮਤ ਨੇ ਕਰਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਜਾਸਵ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਜੂ ਜਬ ਇਹ ਹੰਸਤ ਜੀ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਪਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਮੱਕੜ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਰੱਖ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ 500 ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ।
पहला नहीं जो वड्डी बिपता पैंदियां ने फिर ही कहने सच्चे पातशाह साढ़े ते कृपा कर दे महाराज हुण बचा लै हुण बचा सच्चे पातशाह बड़ी फिर तरले करदे आ सी मक्कर शाह लबाणा बड़िया अरदासा बेनतियां करदा सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्ब कला मनियाई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की बड़ियाई सुख दाता पै पंजनो इस आगे कर अरदास मेहर करे जिस मेहरबान ता कारज आवे रास सच्चे पातशाह कृपा कर दो दाता जी मेरा जहाज बनने लग जावे ना मैं तेरे दर ते 500 मोर लेके वादे कर दा ना गुरु नाल गुरु ने कृपा कर दी सच्चे पातशाह उस समय दे विच हर कृष्ण साहब महाराज दिल्ली दे विच सत्संग जी 8 साल दी आरदास सी हर कृष्ण साहब महाराज जिन्हें लिखा लिया सब कोई 7 दी लिखदे ने कोई 8 दी आपो अपनी मत लिखदे ने पर तकरीबन 8 साल दी आरदास सी हर कृष्ण साहब महाराज सच्चे पातशाह अरदास करता है सच्चे पातशाह जो भी गद्दी ते विराजमान गुरु आदि चरणों के बीच में कोई है नहीं सी उस वेले उधर हरकृष्ण साहब महाराज सचखंड चले गए सी गुरु तेग बहादुर महाराज वचन करते हरकृष्ण साहब महाराज कहते बाबा पयो ग्राम बकाली कहते अगला गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज पहली वचन करते पर जो मक्कर शाह लबाणा जहाज बनने लग गया मन दे विच बड़ी खुशी हुई खुशी होंदी है ना बड़ी खुशी 500 मोर कढ़ी 500 मोर कढ़ के चलिया गया बाबे बकाले पर ऐसा गुरु बड़भागी पाया पर गुरु सच्चे पातशाह जिहड़ा गुरु है ना गुरु 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 कर मन मोर गुरु बिना मैं ना ही हो पर मन दे विच वराग है मक्कर शाह दे कहन लग्या आप मुक्त मोए तारे जी ऐसे गुरु को मन आप मुक्त मोए तारे जी ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोए तारे जी ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे जी ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे जी ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे जी ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे जी ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे जी ऐसे गुरु को बल बल जाइए बल बल जाइए ऐसे गुरु को 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 बल बल जाइए
ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोए तारा जी ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोह तारा जी ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोह तारा जी ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारा है। मक्कर शाल बाणा 500 मोर लैके गुरु के चरणों में पहुंच गए बाबे बकाले की धरती से। जब पहुंचा ना कुछ समा काफी लंघिया हरकृष्ण साहब महाराज दिल्ली के अपना शरीर त्याग गए उधर बाबा गुरु तेग बहादुर महाराज वो 26 साल बाबे बकाले की धरती के भोरे बैठे समन करते 26 साल पर गुरु को उस समय दे विच ना 22 मंजियां डाहियां 22 गुरु बन गए 22 गुरु बन के बैठ के अपने आप गुरु बड़े डंबधारी बड़िया बड़िया 22 गुरु बन गए। पर गुरु को उस समा सी मक्कर शाल बाणा गया देखदा सतगुरु दे चरणां दे विच पुछला जाके कहना मैं गुरु कौन है मैं दर्शन करने ने गुरु को। पर उधर 22 मंजियां 22 गुरु बने बैठे बड़े बड़े उन्होंने तख्त लाए आपो अपने बड़े पखंडी दम्भी बहुत बड़े बड़े माला रुद्राक्ष दियां पाइया गलां दे विच। पर देखदा मक्कर शाह पुछदा कहना मैं गुरुआ नूं भेटा लैके आया मैं भेटा करनी कहते सारे गुरु बैठे आ 22 मंजियां लाइया ने दौ कहते इन्हों सोचा पै गया गुरु तो एक है गुरु नानक गुरु अंगद गुरु अमरदास गुरु रामदास गुरु अर्जन देव महाराज 6वें हरगोबिंद साहब महाराज 7वें हरराय जी 8वें हरकृष्ण कहना गुरु तो एक है कहते 22 गुरु में बन गए देखदा अजकल घर घर होए महंगे रामा तिनको कोई ना सर है कामा अजकल भी बड़े बैठे पर असी पखंडिया के मगर बड़े लगते हैं गुरु को घर घर बड़े पीर दियां समाधां ते बड़े मत्थे टेकदे हां जाके आ दरख्तों मत्थे टेक जाने एक छोड़ दूजे लगे दूबे से एक नूं छड्ड के तुसीं पता नहीं कित्थे कित्थे तुरे फिरदे 22 मंजियां डाइया ने मक्कर साल वाला देखता है वह कहता गुरु तो एक है कहता 22 गुरु किवें पूछी जाता है वो कह लग्या कहता भी मैं भेटा देन वास्ते आया मैं एक गुरु कौन है दसो कहते सारे 22 गुरु है नहीं सुचम च पै गया मक्कर साल वाला कहता 22 गुरु मन दे विच ख्याल आया मन आ गया बैठा रहा सोचता रहा मन दे विच ख्याल आया कहिंदा देखांगे पंज पंज मोहरां रखण लग गया सारे दे अगे वी पंज पंज मोहरां देखदिआं रख के जिहड़ा पूरा हो आपी दसू आपी बोलू पर पूरा है ही नहीं सारे पखंडी ते साडे वर्गे सारे पखंडी बैठ कट्ठे होए सी 22 मंजियां लाइया पर मक्कर शाह लबाणा कले कले मोहर रखता गया पांच मोहर रखी जाता मत्था टेकता है पर मोहर 500 सी ना पर गुरु को सारिया पांच रख दिखा पर कोई बोलिया ना जिता कोई पूरा होंदा तदा बोलता सारे पखंडी से कट्ठे हुए सारा देख के मन दे विच बड़ा मन नूं संतुष्टि ना आई मना कहना कि पूरा है ही नहीं इन्हां दे विच जो फिर देखा पुछता फिर आले दुआले कहना भी कोई गुरु होर है इत्थे
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਬਾਈ ਮੱਝੀਆਂ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ ਬਹਿਗੇ ਰਾਮਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰ ਹੈ ਕੰਮ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਗਾ ਲਾਓ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪਰ ਦੇਖਦਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਤੇਗਾ ਕਦੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਦੇ ਮਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਨਾ ਹੋ, ਉਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, 26 ਸਾਲ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਬਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਪਰ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਔਖਾ। ਮੱਕੜ ਸਾਲ ਬਾਣਾ ਗਿਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਕਿ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮੂਲ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰੇ ਦੇਲਾ ਤਾਰੋ ਗੁਰਪਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ,
सभा कट राम बोला तू ही तू ही तू ही तू ही ऐसा आनंद सभा कट राम बोला है। पर मन दे विच बड़ा बराग है मक्कण शाह लबाणा ओहो मन दे विच ध्यान धरिया गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर के शब्द मंत्र मन मान गुर के शब्द ने दिला तारो गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार बड़ा मन दे विच बराग है उनको जे प्रीत आ ना गुरु दी जे साडे मन च प्रीत आ ना जाके मन गुर की प्रतीत तिस चन आवै हर प्रभु की प्रीत होनी चाहिदी है जाके मन गुर की प्रतीत पर ओ मन दे विच प्रीत होनी चाहिदी है साडे पर प्रीत नहीं है पर गुर मेरे संग सदा है नाले मक्कण साह लबाणे ने ध्यान धरिया मन दे विच बड़ा सोचा दे विच पिया मक्कण साह भी पता नहीं पूरा तां गुरु मिलिया नहीं कोई सारियां कटां दे विच राम बोलदा सारियां कटां दे विच राम बोलदा
राम बोलदा जी राम बोले रामा बोले राम बोलदा सारिया कटा दे बिच राम बोलदा कट राम बोले राम राम बिना को बोले बोला रे कट कट में हरजू बस संतन कहे हो पुकार पुकार हाजरा हजूर है प्रतक जोत है चाबर तख्त छत्र दे मालिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु को जदों साडी प्रीतां ना गुरु दी साडे मन दे विच महापुरख बाबा नारायण सिंह मोनी जी बहुत चिंदियां गल्लां असीं छोटे छोटे हुंदे सी पर सानूं बड़ा उन्होंने सारी सारी रात जदों बिजली नहीं हुंदी सी महापुरखा ने सारी सारी रात झल मारी जानी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सारी सारी रात सानू भी ना ना लैना झल मारी जानी सारी सारी रात गर्मियों के दिनों के जो इन्ना साडा प्यार है ना गुरु का गुर मेरे संग सदा है संग संगा साढ़े दूर नहीं गुरमुखो सब ओदियां दातां ने पर असि भुल जाए दात प्यारी असी दात दातां लगे भुल जाने पर भुलना सुख विसरा जिन्हें सब कुछ दिया जिन्हें सारा कुछ दिता सानू कुडिया कुडिया महल बना के किन्या किन्या मारस नहीं दितिया भाई प्राप्त मानुख दे गुरिया पर गोबिंद मिलन की बारिया तेरी परमेश्वर मिलन दी अवर का तेरे कित नाकाम मिल साध संगत नाम तेरी बारी है किन्ना सुंदर शरीर बना के तेनू भेजिया अज ने तेरा चिंचन औद बिहात है तेरी आरजा पल पल चिंचन करके घटती जा रही चिंचन औद बिहात है फूटे घट जाओ पानी हर गुण काहे ना गावी मूर्ख अग्ञाना झूठे लालच लग के ना मरन पहचान तेरी छिंचन करके आरजा घटती जा रही है छिंचन आद विहात है फूटे घट जाओ पानी जिवें फुटे के घड़े के विचों छेक हो जाता ना पानी सारा निकल जाता है इस तरह जिहड़ी आ तेरी स्वासा रूपी पूंजिया ना आ घड़ा तेरा शरीर है एक घड़ा है इहदे विच स्वासा रूपी पूंजिया छिंचन पल पल करके घटती जा रही है छिंचन आद विहात है फूटे कट जाओ पानी हर गुण काहे ना गावी मूर्ख वो कहते मूर्खा अजे भी उस प्यारे दे उस दाते दे गुण नहीं गाँव अज अजू कदे अजे भी तो उस दाते दे गुण नहीं गाँव छिंचन आदि बिहात है फूटे कट जाओ पानी हर गुण काहे ना गावी मूर्ख अग्ञाना झूठे लालच लग के ना मरन पछाणा लालचां दे विच फस गया तू आ मेरी गड्डी आ मेरी कोठी आ मैं बहुत बड़े बड़े घर चाहता हूँ कई तरह बजुर्ग मैं मुक्तसर चलिया गया उत्ते बजुर्ग बहुत अरबा खरबा पति घराना है बड़ा प्यारा मेरे नाल बाबा सिंह का परिवार है गुरमुखो पर जदों अंत वेला होया ना मैं चलिया गया मैंने बुलाया मैं कहन लगे आ कोठियां बनाईया मैं क्या तू इन्हां नूं तू अगली गल कर ये छड़ दे भुल जा बस ओही गल्लां अंतकाल जो मंदिर सिमरा ऐसी चिंता मैं जी मरा है सर्प जून कहते सर्प की जून के पैदा जला कहते आ मंदिर सिमरदा अंतकाल जो लड़के सिमरा ऐसी चिंता में जो मरा सुकुर जून बल बल उतर कहते सूरी की जून के पैदा हो अंतकाल नारायण सिमरा कहते अंत समय जरा ना उस परमेश्वर ध्यादा ना
अंत काल नारायण सिमरा ऐसी चिंता मैं जे मेरा बद तत्रोचन ते नर मुक्ता पीतांबर जाके कदे फिर स्वर्गा दा वासी है क्यों अज दी बाणियां ना इस स्वर्गा नूं लै जांदी बड़ी वड्डी ताकत है गुरु को पर असीं पढ़दे नहीं बाणी पढ़िया करो साडा फर्ज आ हर इक दा अमृत वेले उठ के गुरु की बाणी जरूर पढ़िया करो किन्ना कुछ सानू दित्या सो क्यों विसरा है जिन सब कुछ दिया बड़ा कुछ तैनू दाता दित्तिया ने पर फिर मैं फिर भी वह मैं करता वो उस दाते नू याद रखिया करो जिन्हें तैनू सारा कुछ दिता ओदा शुक्र करो शुक्र तकर कर लीजा रे पर धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज पूरे विच बैठे आ सुनते समाध नाल लगी परमात्मा दे कुछ ना मलूम साधु सुते के जाग दे आनंद विच है क्यों परमेश्वर आप सी क्या माता नानकी जाके कहन लगी पुत्र कोई मकरशाल बाणा आया मेरे वास्ते पता सी सतगुरन जाने जान सी पता सी कहिंदे आ जान दिओ मकरशाल बाणे जदों आया देखिया प्रकाश है ओहो तृष्णा बुझा हर के नाम महा संतोख हुआ गुरबचनी प्रभ सुन लागया है पूरन ध्यान तृष्णा बिरले ही की बुझा रही बड़े माया धारी ने बड़ी माया पर तृष्णा नहीं बुझी हो राजे लखा करोड़ा जे दो करोड़ा जे तृष्णा बिरले ही की बुझा रही पर उधर जदों देखा ना मक्खन शाल बाणा भोले दे विच गया ओहो मन दे विच मन शांत हो गया मन शांत हो गया ऐसा पर सच्ची पातशाह पंज मोहरां कढ़ियां फिर भी मक्खन शाल बाणे ने पंज मोहरां कढ़ के धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज दे अगे रख दित्ती पंज मोहरां जदों देखी आ सच्चे पातशाह मुस्कराए पता सी ना कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछाण जानी जान सी जदों पंज मोहरां मक्कड़ साहब ने कढ़िया ना रखिया अगे महाराज मुस्कराए मक्कड़ साहब वो कहंदे भई माया दी गल नहीं कदे जे तैनू ना दसे ना तेरे मन दा शंका दूर नहीं होना कहते तेन पता नहीं लगना भी गुरु कौन है कहते तेरा शंका दूर नहीं होना कहते पर सुखिया 500 ने तू पंज ही रखी जाना ओहो मन दे विच फिर खुश हो गया मक्खन साहब गुरु लादो रे गुरु लादो रे ऐसा गुरु बड़ भागी पाइया ऐसे गुरु को बल बल जाइया आप मुक्त मोहिता फिर मन दे विच खुशी हुई ऐसा मन दे विच प्यार है मक्खन साहब दे लवाणे दे तेरे कबन कबन गुण गावा दुनिया नू जी
ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕਬਨ ਕਬਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕਬਨ ਕਬਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕਬਨ ਕਬਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ ਪਰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਬਣਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ ਬੇਮੁਖੋਏ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਜੋਗ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੌਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੁਜਰੇ ਕਰਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਣੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਓ ਦੀਨ ਭ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂਕਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀ ਉਸ ਦਾਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਆਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20-30-40-50 ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਆਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਦਾੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਲਕ ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ ਦਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਬੇ ਮੋਤੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਮਰ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹਦਾ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਵੰਡੇ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਕਿੱਸਾ ਧਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਨੂੰ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਉਯੋਗ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਮਰ ਛਕੋ, ਸੰਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾ ਧਾਰੀ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਭੈਣੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਆ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਾਓ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਤੁਹਾਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾਂ ਕੋ ਕੋੜ ਤੁਹਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਮਰ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਉਹ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹੂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਓ ਬਾਬਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜਨ ਯਾਰ, ਬਾਬਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜਨ ਯਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜਨ ਯਾਰੇ। ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜਨ ਯਾਰੇ,
ਤੁਸੀਂ ਪੀਤ ਮਾ ਤੇਰੇ ਜੋਜ ਨਿਆਰੇ ਓ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤ ਮਾ ਤੇਰੇ ਜੋਜ ਨਿਆਰੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤ ਮਾ ਤੇਰੇ ਜੋਜ ਨਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤ ਮਾ ਤੇਰੇ ਜੋਜ ਨਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋੜੇ ਘੋੜੇ ਤਾਜ ਬਾਜ ਬਿਨ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋੜੇ ਘੋੜੇ ਤਾਜ ਬਾਜ ਬਿਨ ਪਾਏ ਗੜੀ ਚੋਂ ਜਾਲੇ ਤੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਲੱਗ ਟਕਾਲੇ ਬੁਰੇ ਛੱਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਉਹੀ ਜਾਣ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਪਰ ਆਪ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋੜੇ ਘੋੜੇ ਤਾਜ ਬਾਜ ਪਾਏ ਜੋੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀ ਤਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤਾਈ ਕਲਗੀ ਦਿਨੋ ਆਪ ਗੁਸਾਈ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੋੜਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜ ਤਾਜ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੂਚੀ ਪੀਤਮ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਰਨੇ ਦੇ ਦੋ ਪੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਮਗਾਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਚੁੱਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਪੂਰਨ ਬਸੰਤ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਸੰਤ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੀਏ ਪਰ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਉਣਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਲਹੂ ਲਹਾਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲੱਥ ਪੱਤ ਹੋਇਆ ਜਿਉਣਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂਆਂ ਜਾਓ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਨ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਪਤ ਪਰੇ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰ
धरती नार बहुत इत जासु सदा रहत संग लागी जब अंत जी काया प्रेत प्रेत कर पागी। ओहो मन दे विच ओह भी साथ छड़ गया। महाराज माछूवाड़े दे जंगलों में चले गए। उस तरह दया सिंह धर्म सिंह मान सिंह वो भी सारे बिछड़ गए। जामा लीरो ली गए खून बग रहा सारे शरीर के विचों। माछीवाल की धरती से जाके सतगुर सच्चे पातशाह टिंडदा सराने लग के पै गए। पुत्र भी शहीद हो गया, पिता भी शहीद हो गया, माता भी शहीद हो गई। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहिता रहे। ओह दया सिंह धर्म सिंह भी बिछड़ गए। समा होया चले गए। दया सिंह देखा जो पातशाह दे जामा लीरो ली रहे लहू बग रहा सारे शरीर के विचों खून बग रहे। दया सिंह धर्म सिंह मान सिंह ताहा मार के रोन लगे। सच्चे पातशाह मेरे दाता तू अपने पुत्र वारते पिता वारता माता वारती। उठे कलवीर पातशाह हथ में शमशीर है तो जो जोजे प्रीतम कह लगे कहते दया सिंह मित्र प्यारे नू हाल मरीदा दा कहना तो बिना रोग रजाइया दे ओडन नाग निवासां दे रहना। जा रड़ी दा सानू सत्थर चंगा पट खेड़िया दा रहना। ओहो मन दे विच बड़ा बुरा है पर पढ़ा आओ पढ़ लो समाप्ति करिए फिर मित्र प्यार मित्र प्यारे नू कहना मित्र प्यारे नू कहना प्यारे नू कहना मित्र प्यारे नू कहना मित्र प्यारे नू कहना मित्र प्यारे नू कहना प्यारे नू कहना प्यारे नू कहना प्यारे नू कहना मित्र प्यारे नू कहना आल मुरीदा दा कहना आल मुरीदा दा कहना ਸਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸੱਤਰ ਚੰਗਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ अमृत छको सिंह सजो गुरु वाले बनो ताइयो सदा जीवन चत सुचा नहीं तो सुजे करका पौना जवाब है नहीं तो जह जे है संसार तो जे चले गए पर गुरु नाल जुड़ो गुर की मत तू बिना बहुत पैसा।
गुरु की मत धारण करो, गुरु वाले बनो, अमर छको, सिंह सजो। ताइयों सरदारियां ने साडे कोल, सरदारियां ने साडी नहीं गुण को दारे सजे प्रकाश हो, दस्तारा सजिया हो, ताइयों साडे सिंघा ना तो सिंह है, पर जो मूंह वाल देखते हैं फिर गुरु को नहीं। ऐसे ऐसे कम ना करो, अमर छको सिंह सजो, गुरु वाले बने, ताइयों साडा जीवन उच्चा ते सुचा है। सारिया संगतों का धन्यवाद। एक शब्द पढ़ना है ते परिवार वालों एक मंग है, हुक्म है, उस तो बाद फिर आनंद साहब का पाठ करा। सतगुरु सारिया सुखा मंगला पुकारी सतगुरु सारिया सुखा मंगला पुकारी बन के, सतगुरु सारिया सुखा मंगला पुकारी बन के, सतगुरु सारिया सुखा मंगला पुकारी बन के, सतगुरु सारिया सुखा दाता मंगला पुकारी बन के, प्यारे जी मंगला पुकारी बन गए, प्यारे जी मंगला पुकारी बन के, प्यारे जी मंगला पुकारी बन के, प्यारे मंगला पुकारी बन के, सतगुरु सारिया सुखा 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 मंगला पुकारी बन के, प्यारे जी मंगला पुकारी बन के, मेरे प्यारे मंगला पुकारी बन के, प्यारे जी मंगला पुकारी बन के, प्यारे मंगला पुकारी बन के, सुख को चाहे सदा शरण राम की लेख, मंगो ता सेना मंगना नहीं आंदा, जो मांगा है ठाकुर अपने ते, सोई सोई देव दिंदा हो पर दिंदा दे नहीं थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए, बड़ा बड़ा खजाना प्यो दादे का खोल, डिठा डिठा खजाना तो मेरे मन भया, खजाना बड़ा बड़ा खजाना है, रत्ना दे नाल भरे है, मत विच रत्न जवाहर माणक, जे एक गुर के सिख सुनी गुरा, एक देहे बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो सरना जाई जाई, उनको सतगुरु ने सानू मान से ही दी है। यो बेनती है, साडियां तां बेनती ने
सतगुरु ने बड़े सुख दिते ने सानू, बड़िया दातां बख्शी कीतियां ने, उहदा शुक्र भी करे करे सुकत कर कर लीजे रे। शुक्र करके हर एक दा फर्जा पैण दा गुरसिखां दा। अमृत बड़े उठा करो, अमृत बड़े दा जागना जीव के जागे नित, एक बड़ेंदी आ जा दूजा साहब आवे। अमृत बड़े उठो चार बजे, हर एक दा फर्जा है, पर अमृत बड़े उठ के इशनान करो। जिहड़े गुरु ने सानू पंजां बाणियां दा नितनेम है पाठ करो, मूल मंत्र दा पाठ, चौपी साहिब दे जाप, सुखमनी साहिब दी बाणी दे जाप, फिर अरदास करिया करो सच्चे साहिबा क्या ना ही करते, करता तेरे सब कुछ है पर जिस दे सो पावे। दिंदा बड़ियां दातां दिंदा हो, बड़ा बड़ा खजाना रतनों नाल भरिया पिया, मत विच रतन जवाहर माणक, जे इक गुर की सिख सुनी गुरा इक देहि। सबना जिया का एक दाता सोभा विच संदाई। सो बहुत धन्यवाद है सारिया गुरसिख संगतां दा, भाई एकम सिंह, गुरचेतन सिंह, उन्हां दे पुत्र ओंकार सिंह, उन्हां दी शादी है, बड़ी खुशी दी गल है। बोले सोनिहाल साहिब श्री अकाल। पल्ले बन के रखी गल उन्हें, अंधाड़ा प्रकाश होवे तेरे डैडी मंग, ठीक है। सतगुरु ने सानू बड़िया खुशियां दित्तियां ने, शुक्र करके बाणी पढ़िया करो, ताइयों साडा जीवन उच्चा ते सुच्चा है। सारा परिवार है बड़ा प्यार वाला है, नगर फर्जियां गिलना ते बड़े प्यार वालियां संगतां ने, मैं सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। आओ नाम साहिब जी जाप करिए, सारे ने बोलना करके सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु सहज सेती मन बजियां बधाइयां, राज रतन परिवार सब दुखा गाओ हरी केरा, मन बुली बजा रहो हर नाले, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारना, नाम जिन कै मन वसिया शब्द कनेरे, सचा नाम मिलाया साच नाम आधार मेरा दिन ओखा सब गुराया, कुरबानी की तादुर बिटो जिस दिया है बढ़िया, दो बाके पंच शब्द कार सुभागे, पांच दूत तो दरवाजे की कार कांटिक मारे, नानक का सुख आत्मिक कल्याण दरवाजे, कार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सागर सूर,
संत साजन पे सर उले गुरते जानी बंत नानक दूर चरण लागे बाजे आना सूर सलोका देश रात को दई दया एला सत ले जानो सलो अपनी करूर नानक तैन के जुले की छुट्टी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तुम ठाक।